सुपर 75 वर्क को महापौर दयाशंकर तिवारी ने भेंट दी। महापौर दयाशंकर तिवारी के संकल्पना से मनपा स्कूलों में सुपर 75 विद्यार्थियों के वर्क ऑफलाइन तरीके से शुरू किए गए। फुले मार्केट में नेताजी मार्केट में हिंदी माध्यमिक स्कूल में शुरू सुपर 75 वर्क को महापौर दयाशंकर तिवारी ने शनिवार को भेंट दी। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के साथ ही उनके अभिभावकों से भी चर्चा की। इस दौरान मनपा शिक्षणाधिकारी प्रीति मिश्रीकोटकर, एसोसिएशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट के सचिव जयंत गणवीर, मनीष वाजपेयी, नेताजी मार्केट हिंदी माध्यमिक स्कूल की मुख्याध्यापिका साधना सयाम, साथ ही अभिभावक उपस्थित थे। महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि नागपुर महानगरपालिका स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में प्रतिभा है, लेकिन योग्य मार्गदर्शन के अभाव से वे आगे नहीं जा सकते। योग्य मार्गदर्शन मिलने से विद्यार्थी अंतरिक्ष में जाने की जिद रखते हैं, इसलिए मनपा स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सुपर 75 वर्ष शुरू किए गए हैं। नागपुर महानगर पालिका की ओर से महानगर पालिका में अध्ययनरत 75 बच्चों को PMT, JEE और NDA की दृष्टि से तैयार करना, इस संकल्पना से सुपर 75, यह संकल्प को साकार करने का प्रयास एसोसिएशन ऑफ कोचिंग क्लासेस के सहयोग से महानगर पालिका ने निर्णय लिया। कोरोना की त्रासदी के कारण हम बच्चों की क्लासेस नहीं ले पा रहे थे। ये तीसरा सप्ताह है जब तीसरे सप्ताह में हम लोग शनिवार और इतवार को बच्चों को उस दृष्टि से प्रिपेयर करवा रहे हैं। आचार संहिता थी इसलिए उद्घाटन सत्र में मैं नहीं आ सकता था, लेकिन अब कल चुनाव संपन्न होने के बाद बच्चों से मिलने के लिए, चर्चा करने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। अच्छे वातावरण में प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इन बच्चों के साथ साथ इनके पेरेंट्स को भी एक बार बुला के गाइडेंस देना चाहिए, ऐसी सूचना मैंने आज की है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी अगर उचित मार्गदर्शन मिल गया तो बच्चों के उत्थान के दृष्टि से हम लोग और एक सकारात्मक प्रयोग कर सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर उपस्थित नहीं हैं, इसलिए उनके परिवार से, उनके पेरेंट्स से संपर्क करके उनको लाने की कोशिश करेंगे। उनको अगर कुछ आने जाने की व्यवस्था में कुछ अड़चन होगी तो उसका भी महानगर पालिका के माध्यम से हम लोग कुछ नियोजन करने की कोशिश करेंगे और सारे बच्चे यहाँ आ सके इस प्रकार का प्रयास करेंगे। अगर कुछ व्यक्तिगत अड़चनों से पेरेंट्स और बच्चे आने के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसी अवस्था में फिर से हम लोग एक परीक्षा लेके जो बची हुई संख्या है इसको परिपूर्ण करेंगे और इस 75 के आंकड़े के साथ जो हमारी आगे का प्रयास है कि इसमें से 25 बच्चे JEE के लिए जाए, 25 बच्चे PMT के लिए जाए और 25 बच्चे NDA के लिए दृष्टि से तैयार हो, हम लोग प्रयास करेंगे।